You're watching 420 Grams, and it's a day when the technical committee had a meeting on a conference call, a video call, because these days people can't meet in person. Ishfaq Ahmed was on that call, even though he has somewhat spotty internet, because yesterday, once again, mobile internet has been turned off in Kashmir, where he is at the moment. Ishfaq, firstly, how are you doing here, and update us on what happened in that meeting? Well, I'm doing great. I think I was actually doing great till that mobile network and internet was working. Now it's more difficult. Thankfully, you know, like my sister is close by, so I had to go home and to connect Geo Fiber, Geo Sabhi. बताओ सर क्या हुआ? हाँ, because अब आपने family वाली बात छेड़ी दी है। परिवार चला रहा है वो, फुटबॉल भी उसी पे चल रहा है। हाँ। जियो फाइबर पे। तो क्या बातचीत हुई आप लोगों की? नथिंग एक्चुअली, नेशनल एज ग्रुप के बारे में मीटिंग्स थी कि क्या कैसा चल रहा, जनरल अपडेट था नेशनल टीम की परफॉर्मेंस के बारे में एंड ऑल दैट, और प्लस एज यस्टरडे यू मस्ट हैव रेड कि वो अपना न्यूज़पेपर भी आए, फॉरेनर कम हो रहे हैं, कम करने की कोशिश कर रहे हैं। AFC रूल जो है, क्राइटेरिया जो है 3+1, थ्री कहीं के भी और एक एशियन इज कंपलसरी। तो इमीडिएटली तो मुमकिन नहीं है। प्लेयर्स टीम जो है ISL टीम्स उन्होंने टीम में बनाई है, किसी का 2 साल 3 साल कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो बट एज पर नो इट्स अ वेलकम स्टेप। सब मेंबर्स यही का उनका भी यही कहना है, इफ अगर ये स्टेप एक इंडियन प्लेयर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और डेवलपमेंट उससे हो सकती है, व्हाई नॉट। हम लोग तो बैठे ही इसी के लिए कि कुछ अच्छा ही हो, इवन दो माय पर्सनल ओपिनियन इज डिफरेंट, लेकिन ऐसा कोई टाइम फ्रेम सेट नहीं किया। बट इन फ्यूचर leagues or both the leagues, whether I-League and ISL, it is good to have followed the AFC criteria rule. सर, टाइम फ्रेम आपने अभी सेट नहीं किया है, बट मैं कह रहा हूँ राइट नाउ लेट्स नॉट टॉक टू इशफाक अहमद, टेक्निकल कमिटी पर्सन एंड फॉर्मर इंडिया प्लेयर, बट लेट्स टॉक टू इशफाक अहमद हु इज एसोसिएटेड विद केरला ब्लास्टर्स। आप उस नजरिए से आपको क्या लगता है, व्हेन कैन यू practically put, not right now it is 6+1, right? Total team. Yes. 6+1, which is five playing 11. तो फिर 5+1 पे वैसे आप कब लाओगे फिर, क्योंकि वैसे ही लाओगे ना स्टेप बाय स्टेप, या एकदम से आप 3+1 पे ले आओगे? नहीं, मुझे लगता है कि as Arjun you rightly said कि आप जो बोल रहे हो सबसे बेस्ट है कि स्टेप बाय स्टेप। मुझे लगता है कि शायद ये साल तो इम्पॉसिबल है क्योंकि टीम्स बनी है, जो अगला सीजन हो सकता है उस पर 5+1 कीजिए, और जो फिर उसके बाद आएगा तो उसमें 4+1 कीजिए। सो स्टेप बाय स्टेप मेक सेंस रादर देन कि क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किसी टीम ने साइन किया है तो उनके प्लान्स खराब होते हैं। और प्लस जहाँ तक जो प्रीवियस मीटिंग हुई थी, मैंने सुना है कि ISL टीम्स बाकी भी उतने रेडी नहीं है। As of now, there are only few teams, I think, जिन्होंने मीटिंग में मैंने सुना था who are ready. लेकिन I think एक अच्छी बात है अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मेरी प्रॉब्लम है how, who is guaranteeing that the development of player इससे हो जाएगी। Point. But ये तो है ना सर, 2 लड़कों को 90 मिनट खेलने को मिलेंगे ज्यादा। फेयर इनफ, लेकिन ये आपको चांस नहीं मिलेगा कि कौन सी जगह पे मिलेगा। गोलकीपर हो सकता है एक्स्ट्रा, या विंग बैक एक्स्ट्रा कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि 2 स्ट्राइकर खिलाएंगे, जिसके लिए हम लोग तलब लगी है कि भाई एक स्ट्राइकर मिलना चाहिए। मतलब जब I-League आपने खुद भी I-League में थे उस टाइम, आप सलगांवकर के साथ जुड़े, स्ट्राइकर 2 लेके आते थे फॉरेन, मतलब कोई भी लोकल टीम, अपने टाइम में फीलिक्स था। हाँ, तो 2 स्ट्राइकर लेके आएंगे। अब ये गारंटी नहीं है कि आपको वो स्पॉट इंडियन प्लेयर को मिलेगा। दूसरी बात है, सबसे अहम बात है कि जो हम लोग सब मिस कर रहे हैं, हमें कोच एजुकेशन में पढ़ाया जाता है कि एक यंग प्लेयर को 10,000 घंटे चाहिए एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए, उसके बाद एक प्लेयर को कम से कम 45 मैच मिलने चाहिए मतलब सीजन में। अब आप देखिए, या तो कोच एजुकेशन प्रोग्राम गलत है या फिर लीग सही चल रहा है, दोनों में से कोई तो गलत है। तो क्योंकि ना उतने मैचेस मिल रहे, ना हम लोग फिर प्लेयर डेवलप कर पाएंगे। अब आप आपकी बात मान लेते हैं 90 मिनट्स दो बंदों को मिलेंगे या एक में, फेयर है ना, लेकिन अल्टीमेटली फिर हमारी कोच एजुकेशन जो पढ़ाती है हमें वो गलत है, क्योंकि फिर भी उसको वो 45 मैच नहीं मिलेंगे और एक जूनियर प्लेयर जो रिजर्व टीम में खेले उसको 10,000 घंटे में नहीं मिलते हैं। पर सर बट देन ये तो ये होगी ना, एक हाथ में ये है जो वो लड़का है वो बस टीम के साथ वहाँ पे बिब लगा के बैठा हुआ है, ट्रेनिंग में दबा के मैराडोना बना हुआ है, पर बिल्कुल भी 10 मैच भी नहीं खेल रहा। पर दूसरा ये है कि आपने दो हाटे एटलीस्ट 10 मैच तो खेलने को मिलेंगे लड़के को। मतलब अगर इशफाक अहमद को कोई मौका नहीं देता तो शायद इशफाक अहमद वुड नॉट हैव बीन दैट छाती फाड़ के वाला प्लेयर जो उठाया था अपने टाइम में ना। 100% भाई, मैं बोलता हूँ कि लेकिन एक गलत दूसरे गलत को सही नहीं कर सकता है। मतलब गलत तो मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैचेस मिल रहे हैं आपके, तो जो प्लेयर आपके पास है वो भी प्रोफेशनली जो प्रॉपर प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, मैचेस मिलने वो भी तो डिप्राइव हो रहे हैं, उनको भी तो नहीं मिल रही है। आप पहले उनके लिए कुछ कीजिए ना, उनको प्रॉपर मैचेस मिले। आपके यहाँ पे टॉप प्लेयर्स होंगे, संदेश है, सुनील है, कितने मैचेस आपके हिसाब से खेलते होंगे टॉप प्लेयर? 20-25 होंगे, हाँ 20। तो बाकी की आप बात ही मत करो, जो बेचारे बेंच से आते होंगे, एक दो मैच सीजन के खेल लेते तो उनका क्या होता होगा। तो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो ISL जब कोचेस मीटिंग हुई थी, जो कि पेपर वेपर पे आया था, जहाँ पे 3 राउंड सजेस्ट हुए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ऐसी हमारी सिचुएशन हुई पूरी दुनिया की कि एक राउंड भी नहीं है। एक राउंड भी क्या मुश्किल, जितने भी कुछ मैचेस बचे थे वो भी कैंसिल हो गए आई लीग के, मैं बोल रहा हूँ। No, so 3 rounds you're saying basically everyone plays everyone else twice, an extra time, one more round of games. जो भी कहीं पे एक दो कंट्रीज पे वहाँ पे होता है, आई थिंक एक सीजन में एक को 2 होम मैचेस मिलते हैं एक टीम के खिलाफ, दूसरे सीजन में उनको दो मैचेस मिलते हैं। तो जो भी है, मतलब कैसे भी करें यानी मतलब मैचेस तो ज्यादा होने चाहिए। मुझे याद है, मुझे पता नहीं अर्जुन को याद होगा, जब मैं डेम्पो में खेल रहा था तब एक बार AIFF ने कंपलसरी बोला था भाई 45 से मैचेस आगे मतलब एक प्रोफेशनल प्लेयर नहीं खेलना चाहिए। मतलब हाँ मुझे याद है रिमेंबर दिस सर, तब 40-45 मैच खेल रहे थे लेकिन भर के। हाँ, तो इसीलिए फिर एक रूल आया था बीच में कि जो आई लीग प्लेयर होंगे वो संतोष ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनको वो बर्न आउट होता है, वो लोग तो इंजरीज का खतरा रहता है। अब यहाँ पे तो बैठ के इंजर्ड हो रहे हैं, अब दूसरी सिचुएशन। सही बात है, but Ishfaq, see the ideal scenario would be कि 20 team league हो, then you're getting those kind of number of games. But sir, वो 20 team league तो all of us in this discussion know that is not happening right now, even in the near future. मैं तो कह रहा हूँ 5 साल छोड़ ही दो कि वो हो रहा है। So this is actually a nice scenario where you increase the number of games, where you have 3 rounds, not 2 rounds, and that will give number of games. But sir, उससे आप मैं अब क्लब के नजरिए से कहूँ ना, आप सडनली आपने एक महीना खेल बढ़ा दिया है, आपका बजट भी तो बढ़ेगा, क्लब वाला भी बोलेगा मेरे पैसे बढ़ते हैं, बोलेगा, लेकिन जहाँ उनका इतना जा रहा है, लेकिन देश के लिए और पूरी कंट्री फुटबॉल टीम के लिए, फुटबॉलर्स के लिए कुछ तो अच्छा होगा। मतलब यहाँ तो अभी पैसा भी हो रहा है, चलो ठीक है, कोई टीम चैंपियन बन रहा है वो दूसरी बात है, लेकिन फायदा भी नहीं हो रहा है ना प्लेयर को। मतलब आपके प्लेयर आप देखो, अभी टीम जैसे हम लोग सोच रहे थे कि उनको यहाँ पे प्रीसीजन बड़ा है, उनको फिट कैसे रखेंगे। बीच में हमारी टेक्निकल जो मीटिंग हुई थी, हमने सोचा था बीच में एक छोटा सा कैंप लगाएंगे ताकि वो फिट रहे, तो वहाँ पे भी तो पैसा खर्च होगा। मुझे आई एम श्योर बेंगलुरु या बाकी जो भी टीम्स है वो भी सोचते होंगे भाई हमारे प्लेयर तो इतने टाइम के लिए जाते हैं। मतलब अब आप जो एक मैच और ट्रेनिंग फिटनेस होती है वो आम मतलब एक पर्सनल फिटनेस से काफी अलग होती है, आप लोगों को पता है। तो कहीं ना कहीं पे मे बी 3 मैच वाला सिस्टम तो लाना ही पड़ेगा, या फिर जो आपने कहा कि ज्यादा टीम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा टीम एक्चुअली मेक सेंस, लेकिन अभी हमें पता है कि कुछ टाइम के लिए नहीं होंगी। No, I also, I mean, like, maybe आप लोग पता नहीं, because आप एज ग्रुप टूर्नामेंट्स के बारे में भी बात कर रहे थे और ये सब भी डिस्कस कर रहे थे, तो एटलीस्ट ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो कि अगर ISL आपका टॉप टियर है, मे बी उसको एक्सपैंड करना इस वक्त जायज़ नहीं है, या रेजिस्टेंस है उस यू नो टू मेक इट अ 20 टीम लीग या जो भी हम डिसाइड सोचें। बट एटलीस्ट जूनियर लेवल पे या जो आपका पाइपलाइन है वहाँ तो लड़कों को लड़कियों को जो भी खिलाड़ी हैं उनको मिले 40, 45, 50 गेम सीजन के, तो वहाँ पे हम अगर स्ट्रेंथन करें तो जब तक आप प्लेयर एलीट बन जाता है उसके बाद ऑफ कोर्स यू नीड टू कीप प्लेइंग एंड कीप इन टच विद द स्पोर्ट एंड ऑल ऑफ दैट फॉर योर डेवलपमेंट। बट बाय द टाइम यू हैव ऑलरेडी रीच द ISL लेवल, लाइक यू आर सेइंग, दोज 10,000 घंटे जो मिलने चाहिए प्लेयर को यूथ लेवल पे इंक्लूडिंग कंपेरेटिव मैचेस, वो सब तो मिले पहले, वो वाला स्ट्रक्चर तो सॉर्ट आउट हो। तो उस बारे में क्या बातचीत हुई थी आप लोगों की? एक अच्छी चीजें हो रही है कुछ, जैसे कि यूथ लीग्स हो रहे हैं यहाँ पे, यूथ I-League हो रहे हैं, तो मुझे लगता है उनकी ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा मैचेस खिलाने पड़ेंगे, जो डेफिनेटली काफी अहम पार्ट था मीटिंग में। आई एम ग्लैड कि सब उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे थे, क्योंकि जो आपका फॉर एग्जांपल अभी करंट अंडर 16 बेबियानों के साथ है वही आपका फ्यूचर है, वही आगे जाके जो नया वर्ल्ड कप आएगा उसमें मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स उसी के होंगे। अगर कुछ आगे राउंड तक जाएंगे या क्लोज भी क्वालिफिकेशन तक आएंगे वही आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बलबूते पे ऑन मेरिट एशिया कप के लिए भी क्वालिफाई किया है, तो वो एक अच्छी होप है। तो हम लोग डेफिनेटली जो आपने कहा कि उस पे ध्यान देना चाहिए, और जहाँ पे मिस्टर सुनिंदो वाज आल्सो इन मीटिंग, तो जो I-League ऑल कॉम्पिटिशन्स के शायद CEO है, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो लोग बढ़ा रहे हैं और कर रहे हैं, और स्टेट को मोस्ट प्रोबेबली इन्वॉल्व करेंगे कि यूथ लेवल के कॉम्पिटिशन्स हो, जो हमारे टाइम पे होते नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, कोई अंडर 16 नेशनल होता था, लेकिन अब शायद हो सकता है मोस्ट प्रोबली जब तक स्टेट्स, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा है कि जब तक स्टेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक नहीं होगा, क्योंकि वो एक अच्छी थॉट है। होपफुली इन फ्यूचर, इन फैक्ट सम गुड न्यूज इज आर लाइक साई इज ऑल्सो विलिंग टू वर्क विद देम, उनके भी साई टीम्स है, तो एक बड़ा पूल मिलेगा आगे जाके इंशाल्लाह। पर इशफाक एक पूछ रहा हूँ कि अब जो क्लियर हो गया है मामला कि जो आपका हायरार्की है इंडियन फुटबॉल में, अनलाइक प्रीवियस सीजंस, ISL, देन I-League, देन सेकंड डिवीजन I-League, तो अभी भी आपके I-League में वही 5+1 चलेगा, या I-League में एटलीस्ट वो करेंगे कि फॉरनर्स 3+1 ला दो ताकि हमारे लड़कों को खेलने को मिले वहाँ पे? या वहाँ पे हुई है, आई थिंक दे हैव टू, उनको I-League क्लब्स के साथ भी बात करनी है ना, तो इफ दे आर रेडी देन इट्स ऑल अबाउट क्लब्स। अगर I-League क्लब्स कल को रेडी है, देखिए मतलब टू सेपरेट बॉडीज, अपने नजरिए से सोचेगा हर वक्त, मैं आपको नहीं अर्जुन, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पे I-League में वी माइट बी एबल टू थोड़ा बहुत डायरेक्टली बोल सकते हैं, लेकिन जो ISL है उनकी सेपरेट गवर्निंग बॉडी है, वो डिसीजन लेते हैं, वी कैन ओनली सजेस्ट देम। तो टू बी ऑनेस्ट उन्होंने भी अच्छा रिस्पॉन्स, उन्होंने भी ऐसा ही बोला है कि वी शुड वर्क ऑन दिस मॉडल लाइक AFC मॉडल क्राइटेरिया पे, तो विच इज अ गुड न्यूज। अब अगर I-League टीम्स आर रेडी टुमारो टू डू इट, उनको भी बोलेंगे मे बी ये साल नहीं होंगे तो अगले साल, अगर वो लोग रेडी है। I-League तो पहले भी 3+1 खेल ही रहे थे, मुझे नहीं लगता कि उन I-League ओनर्स उनको ज्यादा कुछ फर्क पड़ेगा। बट मेरा एक चीज था कि अगर कल को कोई कॉमन कंपटीशन है, मतलब एक लीग कप होता है, सुपर, वो भैया यही साल से स्टार्ट करो उस पे 3+1, ताकि किसी को अनफेयर एडवांटेज ना मिले। और अगर कोई लीग कप आगे जाके हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, डिपेंड बहुत सी चीज़ें डिपेंड होती है, क्योंकि अब अब ऐसा तो लग रहा है कि क्लियर है कि लीग भी काफ़ी पोस्टपोन होगा। अभी तो पता नहीं कब डेट्स होंगे, तो मुझे लगता है कि हाँ आई लीग टीम्स अगर रेडी होंगी, वी हैव टू बी फेयर विद देम आल्सो, अगर वो लोग मोस्ट प्रॉब्ली वो लोग रेडी हैं जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि वो लोग पहले भी खेलते थे। और लेकिन अगर कल को कोई कॉमन टूर्नामेंट ये साल से ही हो रहा है, ये सीजन से ही हो रहा है, उस पर ज़रूर 3+1 होना चाहिए स्ट्रिक्ट, मतलब भाई कम से कम ट्राई आउट तो करें कि कैसा 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 हो। Yeah, because it is. Sorry. No, go on. Just one thing, because the whole discussion around this 3+1 has been that अगर आपने 3+1 कर दिया, अगर अब भी आपने कर दिया, and आपने लीग को बहुत करीबी से देखा है, जहाँ से आपने देखा है किसी और ने नहीं देखा है, will the quality of football drop from what we've been seeing? And let's admit, in the last season and the season before that, there was some good quality football being played in the ISL. नहीं, I don't think so. Quality will go down. You will definitely have one quality foreigner less in one team or two. That will have its effect. But there are good things or there are bad things also. There are a lot of good things. जब अभी 5 foreigner खेल रहे हैं, जो top foreigners हैं, जो हम जितने भी हमारे Indian players हैं, young players हैं, they always get to learn something from them, which is clear. हमारे इंडियन प्लेयर्स की भी लेवल काफ़ी अच्छी हुई है अभी, मतलब शॉर्ट पासिस अब आप दे सकते हैं बहुत अच्छा। गोवा ने जब से स्टार्ट किया मतलब काफ़ी अच्छा खेल, मतलब आप देखिए काफ़ी इंडियन प्लेयर, और कभी कभी तो वो लोग नाउ इंडियन प्लेयर के साथ भी खेल रहे थे। आई डोंट नो अबाउट क्वालिटी गोइंग डाउन, बट मैं हमेशा एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए। पहले 9 फॉरेनर्स ऐसे कुछ खेल रहे थे, 11 फॉरेनर्स आप साइन कर सकते थे जब पहला सीजन स्टार्ट हुआ, तो बेंच पे भी तो इंडियन प्लेयर्स के लिए जगह ही नहीं होती थी, तो और अगर कोई चेंज में भी आता था तो फॉरेनर ही आता था। तो अभी 7 फॉरेनर हुए और 5 ही खेल रहे, 1 कम हुआ। आई थिंक अगर स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो एकदम से वो इफेक्ट वो आपको नज़र नहीं आएगा कि क्वालिटी डाउन हो। आपको थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा इंडियन टैलेंट को भी कि वो लेवल तक आ जाए, तो लेट्स नॉट पुट देम आल्सो अंडर प्रेशर। अब आप इमेजिन कीजिए आपने 3+1 किया और ऑल ऑफ अ सडन गोल्स कम आने लगे, इट कैन बी ड्यू टू एनी, नॉट बाय क्वालिटी रीजन, कुछ ऐसा हुआ टीम्स डिफरेंट के, सब एक्सपर्ट्स बोलेंगे भाई देखा था कि क्वालिटी डाउन हो गई, मैं पहला मैं ही होगा, देखा भाई गोल नहीं आ रहे। सर हम पटाखे फोड़ रहे होंगे यहाँ पे, हाँ। आपको ये बता दें न्यूज़ या बिकॉज़ लाइक ये मुझे समझ में नहीं आता कि लाइक डे 1 से हम क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं सिस्टमैटिक मैनर में चलना पड़ेगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए बोथ नेशनल टीम के लिए और जो लीग है इटसेल्फ, लीग की कंपेटिटिवनेस के लिए, लीग में लोगों फैंस की दिलचस्पी के लिए, यू नो इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए, तो 5 साल 10 साल का तो मिनिमम सोचना चाहिए कि इस ड्यूरेशन में आपको फिर आप उसको एनालाइज करें, उसका इम्पैक्ट देखें क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बिकॉज द अदर थिंग दैट माइट ऑल्सो हैपन इज दैट अगर आप सिर्फ 4 फॉरनर साइन कर सकते हैं, आपके बजट मोर और लेस सिमिलर रहेंगे, so it may be that the money that you're spending today on 6 or 7 players, tomorrow you spend that much money on 4 players, so maybe the quality of those 4 players goes up also, you know. Anything is possible, and different clubs like you're saying Pandit ki club ke nazariye se agar dekhein to of course club ke nazariye se jeetna important hai most clubs ke liye, yeah, especially agar aap I-League dekhein jahan pe chote clubs naye clubs bhi aate hain, वो भी quite often they mount a challenge for the title and all that. So कोई भी like उस competition में कोई भी club किसी भी साल जीत सकता है, पता नहीं होता कुछ, right? So तब भी हम देखें कि like शिलोंग हो गया for example, जिनके budgetary restrictions हैं for many reasons, वो आप local economy की बात करें या जो भी करें, तो वो ज़्यादातर लोकल प्लेयर्स ही खिला रहे हैं, निरोका को आप देख लीजिए, यू नो. सो बाय हैविंग दोज क्लब्स, आई मीन एक तो ऑटोमेटिकली आप लोकल जो टैलेंट है उसको खेलने की जगह दे रहे हैं, बढ़ोतरी कर रहे हैं उसकी, वो तो है ही. बट ओवर टाइम अगर आप उसको रखें, मेंटेन करें और उन लोगों के नज़रिए से देखें जो हु डोंट हैव लाइक 60 करोड़ 70 करोड़ साल के खर्च करने के लिए, तो आप थोड़ा एक लेवल और थोड़ा प्लेइंग फील्ड को थोड़ा लेवल तो कर ही रहे हैं ना. डिफरेंसेस तो तब भी होंगे, नो डाउट. Some players will be able to sign Elano, some clubs. Other clubs might be able to sign someone who is no, not but, you know, but played at that level. My point, sorry, Ishfaq, I'm coming in, is that why do we need the level? That is what I'm trying to say, this level playing field. I could understand this level playing field is something you're vying for when AFC has not decided that ISL is Premier League, I-League is league below that, and promotion relegation happens from here, right? I can understand that. Then you're saying वहाँ पे 6 foreigner खेल रहे हैं, हम भी 6 खिलाएंगे भाई, हमारा वो है level यहाँ पे अपना, ठीक है? अब जो set हो गया है जनाब, set हो गया है कि आप अगर promote होंगे I-League से, जब भी खुलेगा तो आप ISL ही जाएंगे, which is the higher league. True. And if that is the situation, and if you're in a country where playing time has been being spoken about for the last 2 years, so much so that your national coach is also coming out and saying it कि playing time नहीं मिल रहा मुझे लड़कियों को और मुझे गैप नहीं मिल रहा. सर उसने 45 लड़के बुला लिए कैंप पे, 45 लड़के बुला लिए यहाँ पे कैंप पे, सब के सब आईएसएल के थे, एक लड़का आई लीग का दिखा नहीं उसमें. नोकदुम्बा नावरम को भी नहीं बुलाया वहाँ पे उसने कैंप में. Camp, of course, हुआ नहीं, जो भी for whatever reason. My point is, why can't we stick to 3+1 with I-League? What was, I mean, who are you trying to impress with these two extra foreigners? Level playing field का मैं यही कह रहा था, सिर्फ कि जो within the league की बात कर रहा हूँ मैं. Not comparing I-League and ISL. वो तो अब अलग-अलग हैं. तो अगर ISL clubs, for example, कह रहे हैं कि उन्होंने 3 साल के लिए sign कर लिए हैं foreign players, तो ठीक है 3 साल बाद उनके लिए शुरू करें. I think I-League clubs are not in that situation. इतना advance में कोई signing, ना तो signing कर रहा है ना कुछ ऐसा कुछ हो रहा है. अर्जुन हाँ जी, restriction तो कुछ नहीं है. अगर आप चाहें तो 2 ही खिला सकते हो, क्योंकि अब ये तो clear है कि I-League second division बन गया. वहाँ पे तो आपने पहले भी जो I-League second division होता था उसमें 2 ही foreigner allow करते थे. बात तो आपको आपकी सही है, मतलब करने को तो आराम से कर सकते हैं. अब AIFF को चाहिए कि क्लब्स को अपने मतलब टॉक टू देम, गिव देम कॉन्फिडेंस. मतलब एक तो अच्छी बात है, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट इंडियन प्लेयर को मिलेगी, दूसरी बात प्लेइंग टाइम मिलेगा, और टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है कि बजट भी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा. फॉरेनर को पे करना पड़ता था उतना एक इंडियन को नहीं पे करना पड़ेगा. And it can be still a competitive tournament. So because sir, मैं I-League के अगर नजरिए से देखूं, अगर आपने रूल लागू नहीं किया और कहा जी आपके ऊपर है ये है, आप 5 अभी भी खिला सकते हो, तो जो फ्रॉम अ गुड प्लेस ऑल्सो जो नहीं खिलाना चाहेगा, कहेगा कि आई वांट इंडियन प्लेयर्स टू प्ले, हार के वो भी आफ्टर 3-4 राउंड कहेगा यार मेरे यहाँ पे कमी पड़ रही है, मेरे को 2 लड़के खिलाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी मैं जा रहा हूँ वहाँ पे तो 5 फॉरनर खेल रहे हैं, एंड दोस 5 फॉरनर्स आर डिसाइडिंग गेम्स फॉर देम, तो मैं इतने पैसे लगा क्यों रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अगर मैं हार नहीं जा रहा हूँ यहाँ पे. नहीं, अगर दूसरी ये बात भी है मतलब इसका उल्टा मे बी आई लीग टीम्स, सम ऑफ द आई लीग टीम्स वोंट साइन फॉरेनर, मे बी दे विल साइन ओनली 1 फॉरेनर, क्योंकि वो लोग ये भी बोल सकते हैं भाई हम लोग जीत के भी क्या करेंगे, है ना? सही बात, ये भी सब है. 3 साल तो कुछ है ही नहीं करने के लिए. हाँ, तो वो लोग बोलेंगे कि शायद बजट ही बचा है, चलो लीग में रहते हैं. तो until and unless वो प्राइज वाइज मनी सब कुछ ठीक ठाक वहाँ पे भी रहे तो कुछ फायदा मिले उनको भी. तो लेट्स सी, अभी कुछ क्लियर नहीं है. जो बाकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है फेडरेशन की, वहाँ पे भी मीटिंग्स वीटिंग्स होने वाली है इस बारे में, और उम्मीद करते हैं कि मैं तो आई एम ऑलवेज इन फेवर ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट फॉर इंडियन प्लेयर्स. भाई क्वालिटी है सर, भाई जब आप एनकरेज नहीं करोगे, सी देयर आर टू वेज टू थिंक ऑन इट. मतलब जब आप इतना बड़ा देश है, 10 टीम है, अब आप यूथ को एनकरेज नहीं करोगे भाई खेलने के लिए, आगे जाने के लिए मौका है, नहीं होगा भाई. अगर 5-6 लड़के को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है औरतन का, तो कौन कितने मतलब 1 करोड़ 30 लाख में कौन जो है आबादी हमारी उसका हाफ ही ले लो, वैसे तो हमारी ज़्यादा है परसेंटेज यहाँ पे। अगर हम लोग इम्प्रेस, कल को 1 करोड़ आदमी को भी इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, भाई ये 55 प्लेस है ऑलरेडी, उसमें कुछ प्रोफेशनल प्लेयर ऑलरेडी है और आपका चांस है 55 जगहों में। एक खाली 1 करोड़ की मैं बात कर रहा हूँ, कैसे उनको मोटिवेट करोगे आप कि भाई आगे जाके एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात वही आती है, घूम फिर के ज़्यादा क्लब अगर होंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अब अगर आई लीग क्लब्स में कुछ आई लीग थोड़ा बहुत प्रोलॉन्ग टूर्नामेंट बन जाएगा जहाँ पे इंडियन प्लेयर्स को ज़्यादा मिले और फाइनेंशियल अच्छा खासा सपोर्ट भी मिले इंशाल्लाह, तो आगे जाके मतलब एक वो हो जाता है ना, एक स्ट्रक्चर अच्छा बन जाता है। आपका 2nd डिवीजन है, आई लीग है, फिर आपको ज़्यादा नज़र आपकी जो ड्रीम्स है प्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, तो आप ISL में भी पहुँच सकते हो, होपफुली ज़्यादा कमा सकते हो। तो एक वो अच्छा सिस्टम बन सकता है। सर एक क्लब के नज़रिए से, बिकॉज आपने शो की शुरुआत में यू सेड अ वेरी नाइस थिंग कि हमारे टाइम पे 40-45 मैच खेलने को मिल रहे थे। अब 40-45 मैच जो आपको मिल रहे थे, आप लोग लोकल लीग खेल रहे थे, आप लोग दूसरे टूर्नामेंट्स भी खेल रहे थे, सबको मिला के आपके 40-45 मैच बन रहे थे। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम अ क्लब्स पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ ओपन आर फ्रेंचाइजेस फ्रॉम प्लेइंग नॉट जस्ट एन IFF शील्ड और ड्यूरेंट बट ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग इन अ लोकल लीग, बिकॉज देन दैट गिव्स यू अनदर 10-12 गेम्स और 14 व्हाटएवर। सर अगर फेडरेशन डिसाइड करे विद ISL गवर्निंग बॉडी, व्हाई शुड दे हैव एनी प्रॉब्लम। एक तो इवन तो अच्छी बात है, जब आप अगर ऑफ सीजन के मतलब ये जो ये लोकल लीग्स होते हैं काफी जल्दी स्टार्ट होते हैं, आप अपने इंडियन प्लेयर्स को खिलाओ, यू कैन टेस्ट देम और फॉरेनर्स, तब तक मे बी दे विल 1-2 फॉरेनर, मेन टाइम यू कैन जस्ट चेक योर ऑल बेंच स्ट्रेंथ आल्सो। इन फैक्ट ऑलरेडी आई थिंक फॉर एग्जांपल लाइक जो रिजर्व टीम्स हैं वो तो खेल ही रही है ना स्टेट लीग। हाँ। तो कुछ खेल रही है, लेकिन वो लोग भी इनफ मैचेस नहीं खेल रहे हैं। मतलब 8 मैचेस आई लीग 2nd डिवीजन में खेल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद वो लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग रिजर्व टीम 2nd, तो 8 मैच उधर खेल लिए, 8 या 10 मैच और समझ लीजिए कि या कलकत्ता में थोड़ी बहुत ज्यादा खेल लेंगे या फिर गोवा में ज्यादा खेल लेंगे, बाकी लीग्स तो इतने 8 मिलेंगे, तो 18 मतलब 20 मैच वो लोग भी मैक्सिमम है उनका भी। सर मैं तो कह रहा हूँ लोकल लीग में, अगर आपसे मैं दिल्ली में कोई क्लब में खेल रहा हूँ लोकली और पता चला दिल्ली डायनामोस की फर्स्ट टीम खेल रही, चाहे इंडियन प्लेयर्स हों, आप देखो ना कंपेटिटिवनेस ऑफ द लीग विल ग्रो अप, बिकॉज एवरीवन विल वांट टू बेस्ट पीपल ऑफ दिल्ली डायनामोस, everyone will want to be ready because पता है कि दिल्ली डायनामोस के लोग देख रहे होंगे इधर उधर। एक सिस्टम, ऑर्गेनिक सिस्टम अपने आप बन जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ऑल्सो क्लब्स के लिए भी फायदा है, बिकॉज आप एंड ऑफ द डे अगर आप लोकल क्लब हैं, मतलब सब क्लब्स लोकल ही होते हैं, आप चाहे केरला में बेस्ड हो या बैंगलोर में बेस्ड हो या दिल्ली में बेस्ड हो, आपका जो फैन बेस है मैनचेस्टर यूनाइटेड या रियल मैड्रिड तो सब day 1 से बन नहीं सकते कि दुनिया भर में आपके फैंस होंगे। शुरुआत में तो आपके फैंस लोकल आएंगे ना, जो जिनका कुछ कनेक्ट होगा क्लब से, तो आप अगर लोकल लीग खेलेंगे ऑटोमेटिकली जो कनेक्ट है आपका अपनी लोकल कम्युनिटी से वो बढ़ेगा, इंटरेक्शन लोगों के साथ बढ़ेगा, 2-4 लोग जर्सीज खरीदना शुरू करेंगे, यू नो यंग प्लेयर्स गेट अ चांस टू प्ले, ऑल ऑफ दैट। सो ओवरऑल आई थिंक उससे काफ़ी फ़ायदा होगा, नॉट जस्ट फॉर द प्लेयर्स बट ऑल्सो जो क्लब का जो पर्पस है एक फैन बेस बनाना और मतलब क्लब के डेवलपमेंट के तौर से। भाई आई थिंक पहले से ही होता था, जब हम लोग कलकत्ता में या गोवा में खेलते थे, लोकल लीग्स काफी प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट होता था। मतलब कलकत्ता में तो प्रॉपर मतलब वो पूरा डिशम वाला मैच लगता था कि जीतना ही है। तो वो अगर साथ में रहेगा, मुझे लगता है एक नॉकआउट बेस्ड टूर्नामेंट तो इंट्रोड्यूस करना चाहिए। नॉकआउट मतलब लीग का राउंड, जिसमें पहले ग्रुप स्टेज हो, जहाँ पे 2-3 मैचेस खेले, 2 टीम्स या एक टीम आगे बढ़े, जैसे फेडरेशन कप होता है। मुझे लगता है वैसा एक टूर्नामेंट की ज़रूरत है, क्योंकि एक लीग कप तो हर देश में होता है, सो वी नीड टू हैव अ लीग कप विनर यहाँ पे भी। मुझे लगता है उसकी सख्त जरूरत है, ताकि और एक कंपटीशन हो जहाँ पे सेकेंड डिवीजन टीम्स को भी थोड़ा बहुत मौका मिले कि आईएसएल टीम्स के साथ, जो जैसे हर देश में होता है, हर एक फुटबॉलिंग कंट्री में होता है। एंड सम ऑफ द ग्रेट स्टोरीज कम फ्रॉम देयर ना, लाइक वो कैले का कोई स्टोरी कल परसों आया था बीबीसी पे। कैले इज अ स्मॉल क्लब एंड इन 2000 इन फ्रांस दे रीच्ड, दे डिड एक्सट्रीमली वेल इन द लीग कप देयर। So this is how you get some of those great stories that you remember for like 10-20 साल बाद आप बात कर रहे हैं उस बात बारे में कि लोन स्टार को देखो लीग कप फाइनल पहुंचा है, you know, और या लीग कप जीता है किसी आईएसएल क्लब को हरा के रास्ते में and all that stuff. So सर बहुत होता है, ऐसा पहले होता था फेडरेशन कप में, बहुत बार ऐसा हुआ है। कुछ टीम आगे तक चला, सेकेंड डिवीजन टीम, उन्होंने किसी को हराया, किसी को हराया, और काफी बहुत बार भी देखा गया है कि टॉप स्टार्स उन्हीं टीम से पैदा होते थे जब वो इन टूर्नामेंट्स में खेलते थे, क्योंकि उनको वही एक प्लेटफॉर्म मिलता है देखने के लिए। सर आई जस्ट थिंक सिंस आपने इवन एट द स्टार्ट वी ऑल सेड दैट एकदम से लाइक दिस तो सडनली बदल नहीं जाएगा, सिस्टमैटिकली बदलेगा। So if the aim also at one end is to give Indian players a lot of playing time, the aim at the other end is also to get, how do you get 40 competitive games to play? True. And maybe you can aim first right now, if you're doing 20, you should aim to get 30. And by 30, you're saying, say, aapne a mixture of a competition and a local league khel liya, so 30 matches to at least khele. Then hopefully by then in a few years time, your league will also expand. So you'll get more games in your league. So you can go up to 35. Eventually your end game should be coming to at least 40, 45 games regularly. Couple that with a few international games for your international players, and then you are getting a good 40 to 50 players for someone like a Sandesh Jhingan, sir. Sir, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप जब पिछली बार मीटिंग हुई थी, you have to give to credit to ISL people also. मतलब वहाँ पे जो उनका CEO भी है, they are also यही thought कि उन्होंने बोला कि भाई minimum जो नया CEO आता है, he himself have suggest भाई minimum चलो 3 round 27 matches तो होने चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सिचुएशन यहाँ पे हुई है पूरी दुनिया में, अब दैट में हैव माइट रेस्ट्रिक्टेड कि अभी ये साल यही हो जाए, लेकिन मुझे उम्मीद है और आई एम वेरी मच श्योर कि आईएसएल विल हैव मोर मैचेस। या तो टीमें बढ़ेंगी, अगर टीमें नहीं बढ़ेंगी बिकॉज दे एटलीस्ट दे आर ऑन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि वो लोग पहचानते हैं इस चीज़ को। एक तो ज़्यादा इंडियन, वो लोग खुद बोलते हैं इंडियन प्लेयर्स को चांस मिलना चाहिए और मैचेस ज्यादा मिलने चाहिए। इफ उनको पता है ये चीज, आई थिंक दैट इज गोना हैपन देन सूनर और लेटर। तो सर कब बुला रहे हो हमें टेक्निकल कमेटी में, आप बता दो फिर, मतलब आ जाएंगे हम। कोई बात नहीं, जब बुलाएंगे। सही है। सो मोटा एनीथिंग एल्स फ्रॉम दिस मीटिंग इशफाक दैट यू थिंक इज an important thing to talk about or that people should know about as fans of Indian football? And sir, what is the process? So aap logon ne recommendations de diye hain. Now what is the formal process of it being passed, if it doesn't get passed this year, next year, whatever? I don't think, see, we can only recommend them, like as a it's kind of a request also. It's not like we can do that because we are not on the part of it. हम लोग फेडरेशन, हम लोग बोलते हैं बेहतरी फुटबॉल के लिए ये होगा, लेकिन you have to give credit to them. जब उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी यही डिस्कस किया था, तो उन्होंने बोला था जहाँ पे कुछ टीम्स हैव एग्रीड, कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली दे आल्सो डोंट वांट कन्फ्लिक्ट, वो लोग भी थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, विच इज फाइन, विच इज अ फेयर इनफ थिंग, एज लॉन्ग एज यू हैव राइट इंटेंशन, यू नो, नोबल इंटेंशन, और इसमें अगर थोड़ा टाइम भी लगेगा तो इट्स गुड। मुझे लगता है अगर स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इट विल गो फॉर लॉन्ग टाइम। अगर एकदम से ये स्टार्ट करेंगे तो इट कैन हैव अ लिटिल बिट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। जैसे मैंने बोला, कल को कुछ हुआ कि कुछ ज़्यादा गोल्स कंसीड होने लगे या कुछ गोल ही नहीं होने लगे, सब लोग बोलेंगे भाई ये वो सेम लीग नहीं रहा। तो दे हैव टू थिंक ऑफ दैट ऑल्सो, सो विच इज फेयर एनफ कॉल। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, ये है कि हमारे जो एज ग्रुप्स है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, एंड उस पे काफ़ी ध्यान दिया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी कीन ऑल्सो, लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड अफेयर्स, लाइक वी हैव द स्पोर्ट्स मिनिस्टर who's a football fan and understands football also, which is very very good thing. You know, उन्होंने मतलब काफी ज़्यादा support देने का वादा किया है. I think that is fantastic, and they have positively taken the suggestion of PIO, which are better. So what is that? So then they're trying to work on this player of Indian origin to make it possible for them to play for the national team. So 3+1+1. This type of which can be. You have seen yesterday Times of India also, if Goa Marcus has written about it, PIO or OCI player. So this was definitely discussed. Yes, I think. नहीं, but discussion क्या किस बारे में सर? कि national team में खेलने का मौका दिया जाएगा प्लेयर या लीग में? No, club also. नहीं तो अगर national team में देंगे तो they have to, they are Indian origin, you have to give them a chance to play in the club also. No, club, but then they'll be counted as an Indian player. That I think is decision later on to whether Indian player or foreign player. Because main तो वही होगा ना, because as of today बात लास्ट में उधर ही पहुंच जाएगी. वही बात हो जाएगी ना. बात तो वही है, बात तो उधर ही पहुंचेगी. बट लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव है वहाँ पे. थोड़ी बहुत अगर वो कोई इंडियन ओरिजिन का है और नेशनल टीम के लिए हेल्प कर सकता है, व्हाई नॉट. नो, देयर आर सेवरल प्लेयर्स एंड आई मीन वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस आल्सो. मैं लॉट ऑफ टाइम्स, लॉट ऑफ पीपल हु वॉच द शो कमेंट ऑन इट कि प्लीज इस पे बात करें थोड़ा कि प्लेयर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन गेटिंग अ चांस टू प्ले. बट और अलग कंट्रीज के इसमें अलग अलग हिसाब किताब होते हैं. Like dual nationality, many countries allow it. अब ना जो भी thought process है सरकार का, the fact is that India में dual nationality वाला concept नहीं है. तो आपको अपना as of now, and this doesn't just apply to football ना, because आप football को अगर देखें तो it's part of a larger industry, right? वो नौकरी का सवाल हो जाता है ना किसी का. Said जरूरी नहीं, जैसे जो फीफा है वो लोग आपके इंटरनल रूल्स क्या है उस पे दे डोंट केयर अबाउट दैट. अगर कोई यू हैव टू प्रूव कि समबडी इज इंडियन ओरिजिन, उसका हाँ नहीं, एलिजिबिलिटी तो जरूरी है ही. वो तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. या तो आपका एक पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट या जो भी है. हाँ, जरूरी नहीं आप सिटीजनशिप दे दो. It is not written ki you have to give him a dual citizenship or something like that. No, but as far as India's rules are concerned, that is what the case is ना. आप जैसे प्रकाश अमृतराज का केस देख लें या काफी लोगों के साथ होता है अलग-अलग स्पोर्ट में कि इंडिया को जब आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं तो जो हमारे देश का करंटली जो रूल है इंटरनली, फीफा हाँ बोले ना बोले अलग बात है. बट जो हमारा अपना रूल है कि इंडिया को आप रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं अनलेस आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर, इंडियन सिटीजन हैं. फिलहाल तो यही हाल है. मैं वही बोल रहा हूँ. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि एटलीस्ट उन्होंने कंसिडर, उन्होंने बोला हम लोग सोचेंगे इस बात पे, विच इज नॉट अ It should not be by यही रूल है. कुछ ना कुछ होना चाहिए. जब बाकी कंट्रीज को फायदा मिलता है तो हमारी कंट्री को क्यों नहीं फायदा मिलता? हाँ, नहीं जरूरत है. But there are wider issues ना involved in this also, because अगर आप एक इंडस्ट्री के लिए या एक जॉब प्रोफाइल के लिए एक्सेप्शंस क्रिएट करना शुरू करेंगे तो वो एक्सेप्शंस then start applying to across industry all kinds of things, right? नहीं, वो लोग वही देख रहे हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है मे बी दैट ड्यूअल सिटीजनशिप मे नॉट हैपन, इट मे बी ओनली अलाउड, दे माइट बी ओनली अलाउड टू रिप्रेजेंट द कंट्री, ऐसा कुछ फॉर फुटबॉल स्पेशली और ऐसा कुछ है. क्योंकि वन स्पोर्ट विच इज फुटबॉल के काफी ज्यादा फर्क पड़ सकती है. देखो क्रिकेट में तो हमें बाहर का कोई नहीं चाहिए, यहीं से ले लो, इतना टैलेंट है. सही बात है ना. ये सिंपल सी बात है. फुटबॉल में भी है, ऐसा नहीं है. लेकिन कुछ की जो अपब्रिंगिंग वहाँ पे हुई जिनका फुटबॉल कल्चर जैसे यहाँ पे क्रिकेट कल्चर है कि वो टेक्निकली स्ट्रांग हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं और हेल्प कर सकते हैं. ये जरूरी नहीं कि आप उनको ड्यूअल सिटीजनशिप दे दो या ऐसा कुछ. मतलब अगर कल को गवर्नमेंट ओनली अलाउ करती है रूल्स क्या बना रहे हैं इंटरलेटली हमारे लिए यहाँ पे गवर्नमेंट, फीफा को उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेना देना नहीं है। फीफा खुद बोल रहे भाई आप क्या रूल्स बनाओगे उनके लिए, अगर आप खिलाना चाहते हो दे नीड टू बी, जैसे आपने बोला वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए और वो खेल सकते हैं। और मजे की बात है मैंने सुना कि ईस्ट बंगाल ने उमेश सिंह को भी साइन किया है, साइन कर लिया, तो वो तो लेके चल रहे हैं कि वो आईएसएल खेल रहे हैं तो लेके चल रहे हैं। हाँ, तो अच्छी बात है। पता चले हमें कि ये जो पीआईओज होते हैं कैसा फुटबॉल वो लोग हैं, तो वेरी वेरी गुड पॉइंट यू ब्रॉट अप, बिकॉज़ मुझे याद है ड्यूरिंग स्टीफन्स टाइम आल्सो एक दो पीआईओ आए थे, बट देन मैं भी था कैंप और था ना सर, तो ही वाज नॉट अप टू इट, तो सर क्यों ना भाई मैं क्यों एबी, हां वो ही वाज ही कुडंट मेक इट फॉर द ओलंपिक, हमारे साथ था यूएस से एग्जैक्ट, वही तो पॉइंट, बट इट्स डेफिनेटली वर्थ लाइक टॉकिंग अबाउट इट, इंक्लूडिंग सम ऑफ दीस गाइस, बिकॉज़ जो ये तो सबको पता ही है कि हिंदुस्तानी लोग हर जगह हैं और नॉट जस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट, थोड़े बहुत खेलने वाले भी हैं। हां यू नो नहीं सर, आल्सो अगर आप मुझे तो दिख नहीं रहा स्ट्राइकर, सच में आपको बता रहा हूं, तो बाहर में यूरोप में चाहे जिस भी लेवल पे खेल रहा है लड़का, डिसेंट अगर लेवल है और अगर गोल स्कोरर है और अगर पीआईओ है, देन वी शुड परस्यू इट। बट सो इट्स अ बिग डिफरेंस टू अ टीम। या फेयर इनफ मैन, बट लाइक इट कम्स बैक टू लाइक हम अपने आप को थोड़ा हां कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं हम थोड़ा। आई एम लुकिंग एट इट फ्रॉम अ स्पोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू भाई। देखो नेशनल नागरिक है वो, नहीं है ना नागरिक तो कहीं और का है भाई, पला बड़ा कहीं और है, ब्रिटिश है, अमेरिकन है, जो भी है, नागरिक नहीं है ना। That's one part. ब्राजीलियन को भी बनाओ यार। हाँ, जैसे बरेटो को 15 साल 20 साल हो गए थे, उसको भी देनी थी लास्ट में, उसको बोला था भाई खेलो आप भी। वो तो बंगाली भी समझता है और बात भी करता है। तो जैसे आप the story of that what is that Sudanese guy who plays for Qatar. So many guys. So, yeah. Almost. Ali. So different countries have like हमारे देश में एक तो हम ये CAA, NRC ये सब बात चल रही है हमारे देश में नागरिकता पे, बहुत बड़ा क्या कहते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत लंबा चौड़ा डायलॉग चल रहा है इस देश में, और हम लोग फुटबॉल हम अलग ही अपने रूल बना दे रहे हैं किसको कैसे नागरिक माने नहीं माने जो भी है। But I generally think by the right step forward, since we're saying that हमारे हर शो में ना एक moral of the story आता है, moral of the story इस शो में ये है कि step by step करना चाहिए। So ideally you should make a rule where you can eligible these boys to come and play league football in the country. See them play league football in the country. Give it a few years and let the government then take a call if it's worth it or not. No, तो league level पे तो already eligible हैं ही ना बंदे, तो कौन रोक रहा है? अगर आप ब्राजीलियन प्लेयर अगर साइन कर सकते हैं, स्पेनिश प्लेयर साइन कर सकते हैं, तो कौन रोक रहा है? मैंने वो क्वालिटी के बारे में बोल रहा हूं। नहीं, if you're getting a PIO, then you need to make a slot for a PIO. Then he's not eating into your foreigner slot or an Indian slot. Exactly. That is up to the league. That is not up to the government. That is up to the league and AIFF. और एक बात अच्छी बोली आपने अर्जुन, वैसा कोई प्लेयर भी होना चाहिए ना। फर्स्ट यू मेक श्योर कि भाई ऐसे प्लेयर है जो कि सीधे आएंगे और नेशनल टीम में खेलेंगे। बट प्लेयर्स तो हैं सर, लाइक ऐसे कैसे भाई सर, आपके सामने वो बैठे हुए कैंप में, उनने देखा है ना। नहीं मतलब दिल्ली का कैंप चल रहा है, मे नॉट बी दैट गाय यार, बट लाइक फॉर एग्जांपल डैनी बाथ, जिसका इंस्टाग्राम पे या कहीं पे मैसेज आया था, बिकॉज वी वर टॉकिंग अबाउट इट ऑन द शो, ही इज रेडी so he wants to but he is not willing to give up his British passport for it ना। फिलहाल जो रूल है वो कहता है कि आप आए खेलें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपना ब्रिटिश पासपोर्ट या फॉरेन जो भी आपका बाहर का पासपोर्ट है, तन्वी हंस को ले लीजिए जो जैसे अराटा ने किया। तो या तो आपको जैसे एट सम पॉइंट आई थिंक माइकल चोपड़ा वाज आल्सो इंटरेस्टेड और विलिंग टू वांटेड टू वाज कंसीडरिंग इट राइट। या तो nobody wants to go European passport. या तो आपको इंटरनेशनल फुटबॉल खेलने से मतलब है, तो आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपकी जो मोबिलिटी और बिकॉज इफ यू हैव एंड ऑफ द डे यू हैव अ यूरोपियन पासपोर्ट, यू कैन ऑलमोस्ट एंटर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड लाइक व्हेनेवर यू फील लाइक इट, कोई वीजा का चक्कर नहीं होता, कुछ ये नहीं होता, आप नौकरी ले सकते हैं वहाँ पे एटसेट्रा एटसेट्रा राइट। इंडियन पासपोर्ट आपने ले लिया तो आप सिर्फ इंडिया में काम कर सकते हैं, सही बात है, अच्छी बात है, इंडिया में बहुत काम है करने को लोगों के लिए, लेकिन दैट रिस्ट्रिक्ट्स यू इन अदर वेज, राइट? सो इट्स अ वेरी पर्सनल डिसीजन. आराटा माइट एंड सम प्लेयर्स माइट फील कि हम इंग्लैंड के लिए तो कभी खेलने नहीं वाले, बट हमें इंटरनेशनल फुटबॉल खेलना है. It's a personal ambition. Exactly, yeah, true. So, नहीं, लेकिन सर प्लेयर्स हैं, अपना एक इंडियन ओरिजिन का उधर खेल रहा है बायर्न म्यूनिख में. हाँ हाँ, नहीं प्लेयर्स हैं. सरप्रीत सिंह एक आया था इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेल. हाँ, न्यूजीलैंडर. क्या पता अगर उसको नेशनल टीम में उधर नहीं मिले, यहाँ पे मिले, वैसे उधर भी खेल सकता. उसका तो हो गया ना सीन, उसका तो हो गया सीन, बिकॉज वो ऑलरेडी न्यूजीलैंड के लिए खेल चुका है. तो वंस यू रिप्रेजेंट वन कंट्री, देन फीफा आपके ग्रैंड पेरेंट, यू कैन नॉट चेंज. नो यू कैन, अगर एज ग्रुप्स में खेला है. नहीं, बट वो तो सीनियर खेल गया ना, सीनियर खेल लिया वो. साइड स्टोरी ये है कि तब जब मैं और इशफाक स्टार स्पोर्ट्स के कॉरिडोर में काफी घूमते थे, तब कमेंट्री मैं, इशफाक और एरिक पार्तलू कर रहे थे. क्या खिलाड़ी है, अच्छा प्लेयर है. उसके बाद ये दूसरी बात है कि मेरे को फिर से कभी बुलाया नहीं कमेंट्री रूम में उसके बाद. हमको भी नहीं बुलाया भैया. So in fact there was this kid a few years ago from again in the US, somewhere in the Bay Area. उसके पेरेंट्स वहाँ पे काम करते हैं, वो फर्स्ट जनरेशन. ही इज अ किड, अमेरिकन किड. वो signed by Real Madrid Academy, you know, yes, as an 11-year-old. तो अगर वो 4-5 साल Real Madrid Academy में खेलेगा, जाहिर है कि उसका जो स्टैंडर्ड है, अगर वो फिट रहे, इंजरी ना हो उसको, तो एटलीस्ट लाइक इंडियन नेशनल टीम के आसपास तो हो आ ही जाएगा ना उस स्टैंडर्ड तक. There is that Norwegian player also ना यार. Yeah, there are few guys. He's playing good league. इशफाक, द चैलेंज आई फील इज दिस कि अगर आपने खोल दिया सर और आपने कहा कि प्लेयर ऑफ इंडियन ओरिजिन आके रिप्रेजेंट कर सकता है इंडिया को, और आपने कुछ जुगाड़ निकाल लिया. मैं आई एम नॉट गेटिंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, क्योंकि नहीं तो ये फिर 1 घंटे का एपिसोड और बन जाएगा. हो गया भाई 1 घंटा ऑलमोस्ट. पॉइंट इज बिकॉज़ वी आर सो फार बिहाइंड वर्ल्ड फुटबॉल, लेट्स एक्सेप्ट इट, ओके. और अगर आप यूरोप में, आप मुझे कह रहे हो आपको 7-8 लड़के ऐसे नहीं मिल पाएंगे इंडियन ओरिजिन के जो आके खेल पाएंगे नेशनल टीम में, then where will the identity of your national team be? Yeah. So then either you put a limit कि एक ही आ सकता है, 2 ही आ सकता है. क्लब फुटबॉल बन गया फिर वो 100%. तो या तो वो कीजिए, या फिर एक क्वालिटी बैरियर चेक जो होता है, जिसने सर्टेन लीग खेला होगा, एक्सेप्शन. हाँ, जिसने सर्टेन लीग खेला होगा, टॉप लीग खेल रहा है, जो वर्ल्ड फुटबॉल में एक लेवल का खेला है, उनको बुलाइए. विकास complicated thing, I guess. Like so many of those guys, जो विकास दुरासु के जो teammates हैं, they were either they or their parents were born in other countries, whether it's you know colonies. भाई साहब, फ्रांस का टीम है, वेस्ट इंडीज. फ्रांस की टीम कहाँ उधर का है? वही ना. So I mean ये तो debate, like लंबा debate है. अगर आप you look at all of these French, look at the French national team, and you can make an argument that like how French are they, or what you know, all of these things. But उससे इतना वो नहीं, I don't know man. Like मेरा point ये है कि हम अपने आप को contradict कर रहे हैं, because on the one hand हम कह रहे हैं कि Indian players को खेलने का मौका मिलना चाहिए, on the other hand हम अगर diaspora के लिए खोल दें, जो लोग नॉर्वे में या स्वीडन में या लोअर लीग्स, सेकंड मतलब नॉट द टॉप लीग्स इन यूरोप बट स्टिल अप देयर, तो हमारे लड़के नेशनल टीम में तो कभी नहीं खेलेंगे. फिर आप 20 मैच आईएसएल में आप 20 मैच खेल लो, हाउ कैन यू कम्पीट विद अ गाय हु इज प्लेइंग चैंपियनशिप लेवल फुटबॉल इन इंग्लैंड? यू कैन नॉट भाई. अब अगर कृष्णा जैसा प्लेयर हो जो ऑलरेडी 80 के में खेल रहा है और नेशनल टीम में, आई थिंक वैसा जैसा स्ट्राइकर मिले तो वाई नॉट, आई फील कर. बट देन सर, देन यू आर ओपनिंग अप पैंडोरास बॉक्स. नहीं मैं सर, मैं बिकॉज़ सी आइदर, बिकॉज़ वो मैं कह रहा हूं ना, रॉय कृष्णा जैसे प्लेयर बथेड़े में बाहर, मैं एंड आई मीन नो डिसरिस्पेक्ट टू रॉय कृष्णा, आई एम जस्ट सेइंग ऑफ दैट लेवल एंड कैलिबर ऑफ प्लेयर. तो आप मुझे कह रहे हो वैसे अगर 11 प्लेयर हमें मिल गए, तो फिर अपने तो फिर यहाँ पे लड़कों को खेलने को मिलेगा नहीं नेशनल टीम में. या तो आप एक रूल लगाओ कि सिर्फ 1 या 2, या वो प्रीमियरशिप लेवल फुटबॉल खेल रहा है या फ्रेंच टॉप लीग खेल रहा है, ओनली देन कैन यू कम. मुझे लगता है कि वो वैसा कुछ होना चाहिए, क्वालिटी चेक डेफिनेटली सब लोग तो आ नहीं सकते एज राइटली यू सेड, और ऑनेस्टली स्पीकिंग उतने भी ज्यादा नहीं है यार प्लेयर जो टॉप लेवल पे खेल रहे हैं कि वो जो आ सकते हैं, इतना भी कम मत आंकड़ो अपने नेशनल टीम को। मैं आई लव नेशनल टीम, मैं चुम्मिया दे देता हूं, आई लव नेशनल टीम, बट सर आप ये समझो ना ऑब्सेशन हमारा, समझो ना कि हमारे they schooled their basics, their school much better in their basics, their training is much better, and simply put you're playing at a higher level of competition. Sport is like that, right? If you continuously playing against higher level players, you yourself will also become a better player in the process. And you add to the fact that inevitably, at least for the in the near future, the coach of the Indian national team, at least the men's team, is likely to be a foreigner, most likely to be a European foreigner. So, जो उस कोच का mindset है, वो automatically like players who have played in Europe, he will be automatically like skewed in that direction. So best way यही होगा, 2 या 3 max कर दो, 2 या 3 max. और जिस टाइप की सर आजकल सैलरीज भी मिल रही हैं आईएसएल में प्लेयर्स को, फॉर एग्जांपल, आई थिंक दैट फॉर सम ऑफ दीज गाइज हु हैव सम कनेक्ट विद इंडिया इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। नेशनल टीम की बात तो बाद में कर लेंगे, वहां तक जब पहुंचेगी बात तब कर लेंगे, बट इट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट बिकॉज आप अगर सेकंड डिवीजन कहीं खेल रहे हैं स्पेन में या कहीं भी, तो इससे यहाँ पे प्रीमियर डिवीजन खेलो, आपको अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, क्लब आपका ख्याल रख रही है, आप यहाँ पे आके सुपरस्टार बन रहे हैं, सडनली आपके इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 20,000 से 5 लाख हो जाएंगे, you know, all of these things also I guess have an impact on because at the end of the day players are doing a job yaar, they have to earn a living also, which we don't consider that. मुझे लगता है कि sorry guys मैसेज आ गई और ये गिर गया, sorry. मुझे लगता है नहीं कि एक्सपेरिमेंट लीग तक अगर करेंगे, अगर लीग में उनको बुलाएंगे एक टीम को, पर टीम को एक अलाउ करेंगे, इज नॉट अ बैड थिंग। थोड़ा पूल भी पता चलेगा कितना बड़ा है, क्वालिटी भी क्या है, बट वहां पे फिर क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि आप उनमें से चेक करोगे कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो हायर लीग खेल रहे हैं, जो कि टॉप लीग, जो कि प्रीमियर लीग, मतलब बड़े लीग छोड़ के नहीं आ सकते यहाँ पे। तो वो भी डिपेंड करेगा यार इशफाक ऑन सो मेनी थिंग्स। आप गुरप्रीत का केस देख लो फॉर एग्जांपल, है ना? हाँ, अब गुरप्रीत गया वहां, सीखा उसने, 3-4 साल लगाए उसने, राइट? देन इवेंचुअली ही वंस ही गॉट व्हाटएवर ही हैड टू गेट, देन ही आल्सो वांटेड टू मेक सम मनी, बिकम यू नो, एस्टैब्लिश हिमसेल्फ एज अ स्टार, which he is now a star, India's first huge star, yeah, commanding probably among the top salaries in the country. So after he got that, और वहाँ पे नॉर्वे में वो कितना ही कमा रहा होगा, 3-4-5 हज़ार यूरो महीने के, जिसमें से आधे तो वो खर्च ही कर रहा है, बिकॉज उसको रहना भी है वहाँ पे, किराया भी ज्यादा है, खाना भी महंगा है, कपड़े भी, हर चीज, यू नो। हियर यू क्लब आपको खाना वाना खिलाती है आपको, एटसेट्रा, व्हाटएवर, घर है अपना, जो भी है। गुरप्रीत का इज समथिंग डिफरेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू हिम, लाइक उसने मेहनत की, वहां पे गया, यहाँ पे उसको उस टाइम पे भी थोड़ा ठीक ठाक पैसा मिल सकता था आईएसएल में, क्योंकि गोलकीपर्स उतने नहीं थे। वहां पे मेहनत की, वहां पे रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ बन के आया, अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड अनडाउटली ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ इन कंट्री, एंड वो उसका एक डिफरेंट है। लेकिन जो आप बताना चाहते हो, आई टोटली अंडरस्टैंड। ऑल दिस इज वेरी ट्रिकी यार, ऐसे क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? देयर मे नॉट बी ओनली वन क्राइटेरिया, देयर मे बी द क्वालिटी, क्या खेल रहा है, और maybe there may be the recommendation of the coach also, maybe whether he needs or not that player, you know. ऊपर से आपने 5+1 अगर आपने कर दिया, ऊपर से फिर अगर आप एक PIO कोटा भी ले आए, तो फिर हमारे जैसे एनी और मेरे जैसे लोग ढंडोरा पीटना शुरू कर देंगे, फिर यहाँ पे हमारे लड़कों को खेलने को नहीं मिल रहा है, क्या वही है ना? तो 3 भी बड़े होंगे, 3+1+1। जब आप लोग डंडोरा पीटोगे, क्या पता तब तक टीम्स बढ़ जाएंगी। हाँ, ये बात है। पर वो सर टीम्स बढ़ने में टाइम लगना है सर, कितना आप रियलिस्टिकली मैं एक्चुअली कॉन्वर्सेशन थोड़ा ज्यादा ही लंबा जा रहा है तो आई एम ब्रिंगिंग इट बैक. अभी छठा सीजन चला है आपका आईएसएल का, खत्म हो गया. यू रेकन बाय द 10th सीजन, द एंड ऑफ द 10th सीजन आई एम सेइंग इज व्हेन यू विल, उससे पहले रियलिस्टिकली कम टू 3+1. उससे पहले आया सर यार रियलिस्टिकली आई थिंक 1-2 साल में हो जाना चाहिए शुरुआत तो, एटलीस्ट धीरे धीरे 3+1 भाई 3+1 या 9th 10th में होना चाहिए यार. 10th में आप कह रहे हो जी, इस साल तो बहुत मुश्किल है बिकॉज एक तो पूरी दुनिया ही उल्टी सीधी हो गई है, so no one can really make any plan, plus clubs are saying they have already signed players etc etc, so to do something now what is it 8th of May might be a bit difficult because I think there was communication, Ishfaq correct me if I'm wrong, from the federation regarding some of these rules in March where it was clarified that the foreign player rules will remain the same as they were last season. True. So if you have already done that then it's difficult to make any changes. Only one change hui thi 6+1. Ha wo se ha 6+1 yeah. So agle saal se शुरुआत आई थिंक देखने को मिलेगी. और अगर कह रहे हैं जैसे इशफाक बता रहे हैं कि FSDL वाले भी इसी सेम लाइन ऑफ थिंकिंग से आ रहे हैं और यू नो एवरीवन ऑन द टेक्निकल कमिटीज सीम्स टू बी ऑफ द सेम ओपिनियन, तो बेस्ड ऑन दैट आई गेस 1-2 साल में या थोड़ा बहुत टाइम लगेगा लेकिन होगा मुझे लगता है, क्योंकि आपको टाइम देना, जैसा अर्जुन ने राइटली ही सेड कि आप पहले रूल्स बता, मतलब अगर आपको अगले साल कुछ करना है तो आप अभी बताएं क्योंकि प्लानिंग में थोड़ा टाइम लगता है. और तो स्टेप बाय स्टेप अगर अभी 7 है तो मे बी अगले 1-2 साल में 6 कर लो और उसके बाद 5 ही कर लो, बट अल्टीमेटली आप ग्राउंड में डिसाइड कर लो. देखो करने को तो हम लोग बहुत कर सकते हैं बट एक या 2 आदमी का डिसीजन नहीं होता है, सबको थोड़ा बहुत साथ में लेके चलना पड़ता है. नहीं बिल्कुल सही बात है, एंड इट्स अ न्यू लीग यार, मतलब लाइक वी आर सेइंग 5 साल 6 साल तो हुए हैं, 5 कुछ नहीं हुआ है एग्जैक्टली 5 सीजन तो कुछ ना, अपने आप खुद ही अंडरस्टैंडिंग क्या करना है वो, लीग को खुद ही टाइम लगेगा, क्लब्स को टाइम लगेगा. सो एनीवे सर 10 सीजन तक आपका 3+1 हुआ है नहीं हुआ, मैं तब तक खेल रहा हूँ, आप मेरे देखो बाल फुटबॉलर वाले बना लिए हैं और ये थोड़ी ना हल्दीराम वाला मेरा जो मुंह है वो थोड़ा कम हो रहा है, चुस रहा है, आप देखो फिट हो रहा है. प्लेयर की फिटनेस कैसे पता चलती है, यहाँ से नहीं यहाँ से सर प्लेयर की फिटनेस. तो मैं शुरू कर रहा हूँ सीधा दिल्ली लीग से और फिर उसके बाद अगर भगवान बोले कि इंजरी ना हो. मुझे लगता है कि हाँ स्टार्ट करो, हम लोग मैं भी दिल्ली लीग खेलने आऊंगा. तो पैसे नहीं है दिल्ली वाले क्लबों के पास यहाँ पर, सर कोई बात नहीं, रहने के लिए जगह दे दो सर. वो भाई फार्म हाउस है पूरा, क्लब ही बना लेते हैं ना फिर अपना, फिर सभी लोग खेल लेंगे. I'm also up for it. चलो खेलते हैं, किसी टीम को अगर फ्री के प्लेयर चाहिए बेंच पे कम से कम रखने के लिए, हाँ, हम लोग और क्या रेडी है. यंग प्लेयर्स कुछ सीख ही लेंगे और कुछ नहीं तो दूसरे अर्जुन से पूछो ये. चलिए fair enough. So I think we should now we are on the cusp of it. 59 मिनट्स हो गए हैं इस चैट को, तो घंटे के अंदर अंदर रखते हैं. नॉट बैड, नहीं तो पता चले कि AIFF टेक्निकल कमेटी की तरह ये मीटिंग भी चली रही है. वैसे अच्छा है उधर न्यूज़ क्लिक के स्टूडियो में नहीं है, वरना वो लोग भी कोसते रहते हैं. चलो निकलो. आई थिंक कल परसों आया था मैसेज एक स्टूडियो वालों से कि अच्छा भाई और कुछ हुआ ना हुआ कोरोना वायरस के चक्कर में एटलीस्ट आप लोगों से छुटकारा तो मिला है. मजा आ जाएगा एक दिन, मजा आ जाएगा कि इतना लंबा शो चल रहा है और बैठ के क्या हो रहा है कि कैमरामैन इतना गुस्से में आ गया कि वो कैमरा बंद करके चले गया बिना बताए. वो आएगा असली मजा. हम लगे ही हुए. ठीक है चलो भाई, चलो टेक केयर इशफाक, थैंक यू फॉर योर टाइम यार, ऑल द बेस्ट टू यू एंड वी विल चैट सून.